कि हमारे 90% 80% ट्रेनर्स सर्टिफाइड नहीं है। एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके ऊपर मुझे बोला जाता है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, किस तरह से अपने लोगों को सर्टिफिकेशन मिल पाए। सर्टिफिकेट कब मिलती है? जब एजुकेशन आपको मिलती है। एजुकेशन आपको मिलेगी, सर्टिफिकेशन तभी मिलेगी, तो देन यू विल बी सर्टिफाइड। उसके लिए अभी हमने मुंबई के अंदर अकेडमी लॉन्च कर दी, अनाउंसमेंट कर दी है, GMSA नाम की अकेडमी हमने लॉन्च की है। इन्होंने यहां पर एक लोगो भी लगा होगा शायद, शुगर सीन है। उस अकेडमी का पर्पस क्या है? इट इज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकेडमी, इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकेडमी जो खोली है, जिसके अंदर जब आप लेवल 1, 2, 3, 4 सर्टिफिकेशन लेवल कर लेंगे, यू एलिजिबल टू गो टू US एंड वर्क। ऐसा जो आज तक इंडिया में कभी नहीं हुआ। तो GMSA अकेडमी के अंदर सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, जो उसका करिकुलम है, जिसको सिलेबस बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल, यू मैच द लेवल विद US के ट्रेनर के। एट द सेम टाइम और सर्टिफिकेशन इज वैलिड 8 डिफरेंट कंट्रीज यूरोप की, जिसके अंदर दुबई के साथ यूरोप की 8, क्योंकि हम रेप से भी सर्टिफाइड है, REPS। इसका मतलब है कि जो हम अकेडमी अभी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी प्रेजेंटेशन वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी आ, जब मैं US पहुंचूंगा वी विल गिव इन्फॉर्मेशन। मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके अंदर, व्हाट इज GMSA, क्या विजन है उसके पीछे। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट एजुकेटिंग ऑल द ट्रेनर जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, नंबर वन। दूसरे, जिन्होंने अभी करियर में आना है फिटनेस, फिटनेस करियर इन इंडिया क्या है? 0। आपके पेरेंट्स आपको भेजते नहीं है फिटनेस में, है ही नहीं फ्यूचर, करियर नहीं है। IT में जाओ, बैंगलोर में जॉब मिलेगी, पुणे में जॉब मिलेगी, गुड़गांव में मिलेगी, सर राउट टू US, US में H1B वीजा करें, ऑल सेट, शादी में कोई दिक्कत नहीं, ऑल सेट, फैमिली हैप्पी, MBBS करो, डॉक्टर बनो। US के अंदर हॉस्पिटल के अंदर 20% डॉक्टर है, इंडिया के अंदर डॉक्टर की सैलरी बड़े हॉस्पिटल अप्रोच करते हैं, सर ग्रेट स्टेटस, डॉक्टर इंजीनियर। फिटनेस के अंदर क्या है? कोई प्रमोट नहीं करता, कोई करियर नहीं है, थम्स डाउन। शादी की बात करो तो ट्रेनर्स का लेवल सुनकर अप्रोच कम। ये क्यों है, क्यों गैप है फिटनेस और इंजीनियर के बाद? सारे कोर्सेज के अंदर बहुत बड़ा गैप है, कैसे ठीक करेंगे? तो मेरी फील्ड तो फिटनेस की है, तो मैंने उसके ऊपर काफी काम किया है। करने के बाद हम अकेडमी लॉन्च कर दी है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसके अंदर इतना कुछ चेंज करने वाले हैं, देन यू वॉन्ट सी एनी नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर वर्किंग इन द जिम, द थिंग्स कमिंग। कोई भी बंदा नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर के जॉब नहीं करेगा, बिकॉज वो जो ट्रेनर है, जो बंदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सही होने जरूरी है, वो एजुकेशन सही होनी जरूरी है। हमारा यूथ गलत एडवाइस लेकर गलत बन रहा है। हर कोई फिटनेस में आना चाहता है, जिम के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन गलत एडवाइस में फंस जाते हैं। इस चीज को, जो रूट है उसको ठीक करना पड़ेगा। फर्स्ट इज स्किल एंड एजुकेशन। बॉडी बिल्डर्स हमारे हैं, बट उनके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है। बैकअप के लिए क्या चाहिए? यू मस्ट हैव सर्टिफिकेशन। अभी मेरी सर्टिफिकेशन गिना रहे थे, अगर मेरा सर्टिफिकेशन नहीं है, इट्स वेरी हार्ड। मैं चाहता हूं हर एक के पास सर्टिफिकेट हो जो फिटनेस के अंदर आना चाहता है, जो फिटनेस में करियर बनाना चाहता है, उसकी पे सैलरी हो 25,000, 30,000, 40,000 पर मंथ मिनिमम सेटअप नंबर। नो जिम कैन मिस यूज एनी ट्रेनर फॉर पेइंग लेस सैलरी फॉर 5,000, 7,000। गलत है, दिस इज नदर इशू जो हम इस GMSA के अंदर से खत्म करेंगे। कंप्लेंट सेंटर होगा, हम कंप्लेंट भी होगी उसके अंदर जो गलत। GMSA इज अ प्रॉपर एक ऐसा फॉर्मेट आ रहा है जिसके अंदर मैं बोलूं तो मुझे घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ है इसके अंदर, जिसको मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसकी वेबसाइट November 3rd और 5th के पास लाइव हो जाएगी, जिसके अंदर सर्टिफिकेशन करने के बाद आप इंडिया के अंदर किसी भी जगह कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं एज अ ट्रेनर। आपको रेजमे लेने जॉब जिम में नहीं जाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू गो टू जिम टू टेक रेजमे, यू आर गोइंग, आवर वेबसाइट के अंदर जॉब पोर्टल है, सारे इंडिया के जॉब जितने भी जिम्स होंगे, द लिस्ट होगी वहां पर। यू कैन पुट द स्टेट,
पिन कोड नंबर सी आपके जिम के अंदर है, सबमिट आवर टीम फ्रॉम बैक एंड कैन गेट यू जॉब. आईटी के अंदर कोई रेज्यूमे लेकर डेल में नहीं जाता सर, दे सबमिटिंग देयर रेज्यूमे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स में. यू गोना सी फिटनेस एंड आईटी द लेवल व्हिच यू गोना मेक. इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर, हर एक बड़े शहर के अंदर, इवन हर छोटे शहर के अंदर जीएमएसए की अकेडमी 2019 तक सारे स्टेट्स के अंदर होगी, ये आपको बता दिया मैंने. जो हमारे पढ़ाने वाले हैं दे आर नॉट ट्रेनर, दे आर प्रोफेसर टीचर. सो बैचलर्स बैकग्राउंड विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, दिस अकेडमी इज टोटली डिफरेंट. मेरे साथ जो मेरे पार्टनर है वह है शेरू, सुना होगा शेरू माजी. जी हाँ, आप समझ सकते हैं शेरू क्लासिक को फाउंडर एंड फाउंडर एंड को फाउंडर हेमंत एंड शेरू बाजी एंड गुरु मान, वी ऑल टुगेदर टू चेंज द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री. जो यूएस के पास है वो इंडिया के ट्रेनर के पास, वही नॉलेज वही सेट और वही चीज हम यहां करना चाहते हैं और ये हो रहा है. तो दिस इज अ क्विक इंफॉर्मेशन बात, जिसके अंदर हम RPL भी है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगर आपने सुना होगा मोदी जी की तरफ से है, उसके अंदर है. जो फ्लो ट्रेनर्स है जो काम करते हैं जिम के अंदर सफाई वगैरह की एक्सेट्रा, नोबडी हैज एनी सर्टिफिकेट. जिस तरह से सलोन में जो बाल काटते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में लड़कियां काम करते हैं, 10 साल हो गए काम करते हैं लेकिन दे डोंट हैव एनी रेफरेंस. जब आप IT में जॉब करते हैं तो आप रेज्यूमे में लिखा होता है 3 साल डेल, 2 साल HP, 1 साल एप्पल, इतने साल का एक्सपीरियंस है, यू हैव सर्टिफिकेट रेफरेंस. बट हमारे फिटनेस के अंदर है नहीं कुछ. वी आर बिल्डिंग दैट पार्ट. एटलीस्ट जब आपको 5,000 मिल रहा था पिछले 2 साल पहले, तो आज आपको 4,000 ना दे. यू आर एलिजिबल टू गेट मोर बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस. तो उसमें आपकी सैलरी आपका मिस यूज ना करे कोई भी ओनर एनीवन हो, जो GST रजिस्टर है, जो होना चाहिए. GST के अंदर जितने भी जिम नहीं आते, दे हैव टू मेक श्योर कि अगर आप में से कोई दोस्त है आपका जिम है तो GST के अंदर रजिस्टर करें. यू डोंट वांट एनी इंस्टेंट सील लेटर ऑन जब ये प्रोसेस शुरू होगा, बिकॉज